हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, कांग्रेस के नेता हैं, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के अंदर आपको ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जो छोड़ना पड़ा? देखिए, कांग्रेस तो अब नेतृत्व विहीन हो गई, ऊपर भी खड़गे साहब को जनता से जुड़े हुए नहीं है, SC का समझ करके उनको लाया गया था लेकिन वो जनता से जुड़ नहीं पाए। राहुल जी अपनी यात्राओं में मस्त हैं, बस के अंदर बैठे हुए घूम रहे हैं, उनको देश में चुनाव में क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स का क्या हो रहा है, उसका उनको ज्ञान ही नहीं है। यहाँ जो प्रदेश नेतृत्व है वो बिल्कुल पंगू है, उसका है नहीं, और जिले का नेतृत्व वो राजप्रसाद के अंदर कैद है, तो इसलिए कोई कांग्रेस में तो अब बचा नहीं। आप कह रहे हैं राजप्रसाद में कैद है, कैसे? नहीं, वो भवन जितेंद्र सिंह जो निर्णय दे देते हैं उसी के ऊपर तक मान लेते हैं लोग बात। ठीक, कांग्रेस के अंदर आप कह रहे हैं कि अलवर में ऐसे हैं, ये है, तो दिक्कत कहाँ आ रही कांग्रेस के अंदर? क्या नेशनल लेवल पे राहुल गांधी नेतृत्व विहीन है? राहुल गांधी जी यात्राओं में मस्त है, उनको यात्राओं में जो भीड़ दिख जाती है उसी को समझते हैं कि सही मेरे सारे वोट है। वो तो प्रायोजित यात्रा है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, उन्होंने उस वक्त में अपने कैंडिडेट्स को चुनाव जिताने के लिए प्रयास किए करना चाहिए, तो वो तो वहाँ घूम रहे हैं। क्या आपको एक बार क्या लगता है आप फाइट नहीं दे पाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, जीरो। इससे बढ़िया स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं थी। डॉक्टर करण सिंह यादव, मुस्लिम लीग, भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।